हेलो you know, Paper वन वेलकम बैक टू So, चैनल 1 हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन वहाँ पे उसकी लिंक जो है शेयर कर रहे हैं और इस वीडियो में हम कवर करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जहाँ से यूजुअली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं बट उससे पहले अगर आप पेपर वन में अबो एवरेज स्कोर करना चाहते हैं तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड बेल आइकन को जरूर दबाइएगा टू गेट द नोटिफिकेशन फॉर ऑल द लेटेस्ट वीडियोज सो लेट स्टार्ट सो इस वीडियो में वो विल टॉक अबाउट डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के हाउ डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इवॉल्व विद एवोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सबसे पहले अगर हम बात करें तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट इंट्रोडक्शन के बारे में कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर के डेवलपमेंट में जो एवोल्यूशन आया वो उसको हम बोल रहे बोलते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स तो इसमें जो चेंज आया था दैट वॉज इन बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी और देयर आर फाइव जनरशन ऑफ कंप्यूटर्स एज ऑफ नाउ हम इस वक्त जो है फिफ्थ जनरेशन में है तो एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ेंगे और इसमें से क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं एंड आई विल आल्सो शेयर सम गुड टिप्स कैसे याद रखना है तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा सो फर्स्ट इज आवर फर्स्ट कंप्यूटर्स तो जब हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की बात करते हैं 1946 टू 1959 इज द पीरियड जब हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आते थे एंड इन दिस कंप्यूटर्स वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी जहाँ पर हमारे या तो जितनी भी हमारी मेमरी हो या सी पी यू जो हमारा था वहाँ पर वैक्यूम ट्यूब्स यूज किए जाते थे दे प्रोस लॉट ऑफ हीट ये इसका एक डिसएडवाटेज आप मान लीजिए सो इफ़ यू कैन सी हेयर इन द इमेज ये सारा जो है आपको लग रहा होगा कि ये क्या है सो दिस इज़ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसका जो है स्पेस ऑक्यूपाई करता था ये बहुत ही ज़्यादा हैवी बल्कि रहता था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बिकॉज ऑफ दिस वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी और इसमें जो है मशीन लैंग्वेज यूज़ की जाती थी ओनली मशीन लैंग्वेज और दे वायर वेरी बिग इन साइज और ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते थे और इसी की वजह से दे वायर वेरी कॉस्टली ऑल्सो तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इनको एफोर्ड कर सकती थी दे वायर नॉट फॉर पर्सनल और प्राइवेट यूज और इनमें जो मेमरी होती थी दैट वॉज मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी तो यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है और आया भी है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में किस तरह की मेमोरी यूज की जाती है तो वहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन वुड बी मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी यूज होती थी और अगर आप एग्जाम्पल्स की बात करें तो वी हैव लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स इन एक्टबैक एडसैक

और यहाँ पे जो है अगर हम मेन मेमोरी की बात करें तो मैग्नेट मैग्नेटिक फेराइट कोर का यूज होता था और सेकेंडरी मेमोरी यहां भी मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक ड्रम का हुआ तो अगर आपका क्वेश्चन वहां होगा सेकेंड जनरेशन मेमोरी तो मेन मेमोरी कोर मेमोरी थी यहां पे और सेकेंडरी मेमोरी एज यूजल ड्रम मेमोरी थी विच वॉज इन द फर्स्ट जनरेशन सो एग्जाम्पल्स की बात करें आई बी एम सिक्सटीन ट्वेंटी आई बी एम सेवन जीरो नाइन फोर सी डी सी सी डी सी थ्री सिक्स जीरो जीरो यूनिबैक वन वन जीरो एट तो ये कुछ कंप्यूटर था जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर इसमें से आप अगर आपको देखना कि याद कैसे कर लें हम तो इसमें से जो है आई बी एम के कंप्यूटर्स कभी कभी पूछे जाते हैं और यूनिवैक वन वन जीरो एट अक्सर पूछा जाता है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में सो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स देर ट्रांजिस्टर बेस्ड अनलाइक द फर्स्ट जनरेशन विच वायर वैक्यूम बेस्ड ना मूविंग फॉरवर्ड इज अवर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर तो थर्ड जनरेशन की जब हम बात करेंगे तो इट इज़ फ्रॉम 1965 टू 1971 जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि कितना चेंज हुआ है फिजिकल अपियरेंस में जो अगर हम इतना ही देखें कि फिजिकली कितना चेंज हुआ है इन कंप्यूटर्स फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू थर्ड जनरेशन यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज हुआ था आईसी चिप्स जिन्हें कहते हैं हम पहली बार इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज किया गया था जो कि स्मॉल साइज है बट डिड फास्टर दैन द अर्लियर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आईसी चिप्स में क्या होता है कि एक ही चिप पे बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स बहुत सारे कैपेसिटर्स लगे हुए होते हैं जैसे कि आपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर चिप्स देखी होंगी टेप रिकॉर्डर है, रेडियो है या कोई भी आपको जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होता है उसके अंदर एक सर्किट होती है आईसी होती है जिसपे कैपेसिटर्स ट्रांजिस्टर्स सब चीज़ें लगी होती हैं तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी आईसी चिप्स का ही इस्तेमाल किया गया था और ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आ सकता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स कहाँ पहले

ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन रिमोट प्रोसेसिंग टाइम शेयरिंग मल्टी प्रोग्रामिंग यहां से आया था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से तो अगर हम बात करेंगे मेमोरी की तो बिगिनिंग में जो है मैग्नेटिक कोर की मेमोरी बनती थी और उसके बाद जो है सेमीकंडक्टर्स डिवाइस यूज किए गए थे फॉर मेकिंग ऑफ मेमरीज सो so, अगर आपका क्वेश्चन वहां आएगा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में कौन सी मेमोरी लगती थी तो इट वाज बिगनिंग में मैग्नेटिक कोर देन इट वाज सेमीकंडक्टर तो आप वहां पे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लिख सकते हैं और इसी दौरान थर्ड जनरेशन के दौरान ही माइक्रो प्रोग्रामिंग या मल्टी यूजर सिस्टम आ गया था जैसे कि हमने मल्टी प्रोग्रामिंग या टाइम शेयरिंग का बताया और वर्चुअल मेमोरीज जो है यहीं पर इंट्रोड्यूस की गई थी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो आई बी एम थ्री सिक्सटी सीरीज जो है वो थर्ड जनरेशन में आती है हनीवेल सिक्स थाउजेंड सीरीज या पी डी पी जो है प्राइवेट डेटा प्रोसेसर और आई बी एम थ्री सेवन जीरो वन सिक्स एट ये जितने भी कंप्यूटर्स हैं ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स हैं इसमें से अगर आपको वहां क्वेश्चन आएगा दैट विल बी आई बी एम थ्री सिक्सटी सीरीज और हनीवेल सिक्स थाउजेंड सीरीज नाउ मूविंग फॉरवर्ड इज अवर फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स

कॉम्पैक्ट और एफोर्डेबल कंप्यूटर्स फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर्स हुआ करते थे और इनमें जो मेमोरी यूज की गई थी प्राइमरी के लिए सेमी कंडक्टर डिवाइस यूज किए गए थे और सेकेंडरी स्टोरेज के लिए मैग्नेटिकार्ड या फ्लॉपी डिस्क जो भी आपका है तो दैट वॉज यूज इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स और इसी दौरान जो है सीआरटी स्क्रीन लेजर इंकजेट प्रिंटर्स आ गए थे मार्केट में और इट वॉज जूरिंग दोर्थ जनरेशन पीरियड जब लैन या डब्ल्यू ए एन डेवलप हुआ था जिसमें लोकल एरिया नेटवर्क या वाइज

फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैं। यहाँ पे जो है अल्ट्रा लार्ज स्केल चिप जो की प्रोसेसिंग को बहुत ही ज्यादा तेज बना देते हैं और नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम यूज किया जाता है यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल है एंड मेमोरी चिप्स जो है दे वर इंट्रोड्यूसड इन दिस टाइम पैरल प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड ए आई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी दीज आर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स और यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज जितनी भी हाई लेवल है सी प्लस प्लस जैवा वो सारी लैंग्वेज जो है यूज की जाती हैं अगर हम मेमोरी की बात करें तो मेमोरी में यहाँ पे मेमोरी चिप्स जो पहली बनाती थी ऑप्टिकल डिस्क यूज़ की जाती है एग्जाम्पल्स में आपके लैपटॉप पर कंप्यूटर्स रॉबर्ट्स दे आर ऑल द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स और इसी दौरान ये अभी जो जनरेशन चल रही है फिफ्थ जनरेशन तो अगर हम कहें कि फिफ्थ जनरेशन में ही हमारे पास इंटरनेट आ गया था डब्ल्यू 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 जो वर्ल्ड वाइड वेब था 1989 में टिम बर्निस ली ने इसको इंट्रोड्यूस किया था इसको आगे हम जरूर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में बट अभी जो है बस थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन इसके बारे में कि फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में कितना टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया था विंडोज 7 8 एक्सपी, लिनक्स आया ओएस आया मैक ओएस तो दीस आर ऑल द कैरेक्टर्सिस्टिक्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि

एग्जाम्पल यू और आपका मोबाइल कनेक्टेड है आपके गीजर के साथ तो your gets the message के, awake, तो के हो जाता है इसी तरीके से यूर कॉफी मेकर जब तक आप फ्रेश हो जाएंगे तब तक आपकी कॉफी रेडी होगी कनेक्टेड कार्स का सिस्टम है या जितना भी ये है जहाँ पे हमने जो है ए आई टेक्नोलॉजी यूज की है वेर मशीन आर बी मेड विच थिंक लाइक ह्यूमन विच आर प्रोसेसड लाइक दैट तो वो हमारा फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर सिस्टम है जो अभी का है सो so, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं बट फर्स्ट वी विल रिवाइज बट वी स्टडी टूडे क्विक फैक्ट एंड क्विक रिविजन फर्स्ट जनरेशन कम्प्यूटर जो नाइनटीन फोर्टी सिक्स से नाइनटीन फिफ्टी नाइन में आया था वहां पर वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था और वहाँ की मेमोरी जो थी दैट वॉज मैग्नेटिक ड्रम इसी तरीके से हमारा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर नाइनटीन फिफ्टी नाइन से नाइनटीन सिक्सटी फाइव तक था कभी कभी जो है टाइम पीरियड भी पूछा जाता है तो इस पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स को डिस्कार्ड करके ट्रांजिस्टर्स को यूज किया गया था और जो हमारी मेमोरी थी डेट वॉज कोर एंड मैग्नेटिक ड्रम थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स 1965 से 1971 तक यहाँ पहली बार जो है इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज किया गया था और हमारी जो मेमोरी थी वो लेटर फेज में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को यूज किया गया था थर्ड जनरेशन से ही और फोर्थ जनरेशन में हमारा 1971 से 1980 तक है जहाँ पे हमारे वी एल एस आई सर्किट्स यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज किए गए थे और जो मेमोरी थी दैट वाज मैग्नेटिक डिस्क देन फिफ्थ जनरेशन व्हिच इज करंटली गोइंग ऑन 1980 से तो यहां पे अल्ट्रा लार्ज स्केल जो है इंटीग्रेटेड चिप्स का इस्तेमाल किया गया है जहाँ पे लाखों की तादाद में मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स आर फिटेड इन द स्मॉल चिप्स और यहाँ पे जो अगर मेमोरी की बात करें ऑप्टिकल डिस्क या हार्ड डिस्क में सेकेंडरी मेमोरी यू इस्तेमाल होती है हमारी एस इस्तेमाल होती है तो दिस वॉज अबाउट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जिसमें से आपका क्वेश्चन आता ही आता है तो कमेंट uh, डाउन कि आपको वीडियो कैसा लगा हो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए एंड अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल बेलाइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो